Good morning, class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, class 2, first of all, what is the date today? Today is 7th of September 2021. Okay, dot 07.09.21. Okay, and the day Tuesday. Okay, now let me explain. वॉट वी विल डू इन टुडेज वीडियो ओके सो टूडेज वीडियो आई जस्ट टेकन ओनली टू क्वेश्चन ओके मैम ने आज सिर्फ टू क्वेश्चन लिए हैं सो वी विल रिवाइज ओनली टू क्वेश्चन विद मी ओके सो यू ऑल ऑफ यू प्लीज रेडी एंड रिवाइज ऑल दी स्टेप्स ओरली ओके आपको ये स्टेप्स बोलने आने चाहिए ओके सो आप मैम के साथ इस वीडियो में रिवाइज करेंगे नाउ द सेकेंड थिंग इज देर इज़ नो होमवर्क ओके सपोज इफ़ यू वॉन्ट टू राइट डाउन दी स्टेप्स एंड लर्न इट्स योर चॉइस ओके यू कैन राइट डाउन दीज स्टेप्स इन योर रफ नोटबुक इन योर प्रैक्टिस नोटबुक ओके आप उसको लिख के भी लर्न कर सकते हो बट इस वीडियो में मैम आपको एक्सप्लेन करेंगे ओके एंड नाउ नंबर थ्री नंबर थ्री थिंग इज इन आर लाइव क्लास वी विल रिवाइज द होल ई वी टू सिलेबस ओके हम रिवाइज करेंगे वो क्लास में ओके दैट थिंग कनेक्ट टू द लाइव क्लास बट नाउ एज लेट स्टार्ट आर वीडियो ओके सभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो ओनली टू क्वेश्चन आर देयर सो प्लीज़ वॉश होल वीडियो वेरी केयरफुली बिकॉज ओनली दो क्वेश्चन ही है और आप मैम के साथ उसको लर्न करेंगे इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम ओके नाउ लेट स्टार्ट सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर ओके वेरी ईजी बिकॉज देर आर ओनली फोर स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंप्यूटर ओके आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है सो लेट मी रिवाइज अगेन ओके सो द स्टेप वन इज स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाय नाउ क्या मतलब हुआ स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाय सी दिस इज मेन पावर सप्लाई ओके सपोज यू हैव डेस्कटॉप एट योर होम तो अगर आपके घर पे डेस्कटॉप है तो जो मेन पावर सप्लाई होता है ना सो तो वहाँ पे सबसे पहले उसको स्विच ऑन करना यानी ये जो बटन है इसको हम ऑन करेंगे सो द फर्स्ट स्टेप इज़ स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई क्लियर मेन पावर सप्लाई मीन्स ओके ये वन दिस वन मेन पावर यानी जो हमारा घर का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो जिससे कनेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड द मेन पावर सप्लाई जो यहाँ पे जितने भी चिम होते हैं ना बटन एंड डॉल वो हमारी मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट होते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल इन आर कंप्यूटर लैब अगेन देर इज अपरेट सेपरेट फॉर द मेन पावर सप्लाई ओके वहां पर होता है जब उसको ऑन करते हैं ना तब भी सारे कंप्यूटर ऑन होते हैं ओके सो दिंक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैविंग लैपटॉप एट देयर होम सो लैपटॉप में तो मेन पावर सप्लाई ऑन करने की नीड है ही नहीं बिकॉज उसमें तो एक ही बटन होता है ओके okay? सो so आप इस डिफरेंस को याद रखेंगे ओके okay? मैम आपको दोनों बता रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द चिल्ड्रन हैविंग लैपटॉप ओके बहुत सारे बच्चों के पास लैपटॉप होते हैं बट अभी मैम डेस्कटॉप के स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो आपको ये लर्न करने है ओके नाउ स्टेप टू स्विच ऑन द यूपीएस नाउ स्विच ऑन द यूपीएस दिस इज कॉल्ड यूपीएस ओके नाउ यूपीएस क्या होता है सो यू पी एस मीन्स अन इंटरप्टिड पावर सप्लाई ठीक है यूज स्टैंड फॉर अन इंटरप्टिड अन इंटरेप्टिड मीन्स सपोज कभी लाइट्स चली जाती है ना तो जैसे आपने देखा होगा इन्वर्टर होते हैं ना सो सो मैम आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं सपोज मोस्ट ऑफ़ द चिल्ड्रन हैविंग इन्वर्टर एट देर होम लाइट्स चली जाती है या फिर कभी हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं ना इन्वर्टर ऑन हो जाता है लाइट्स चली जाने के बाद भी सो सेम इन डेस्क टॉप कंप्यूटर देर इज़ अ यू पी एस ओके इट्स ऑप्शनल ये हर कोई नहीं रखता ठीक है ज़रूरी नहीं है कि हम जब कंप्यूटर परचेस करते हैं तो यू पी एस परचेस करें इट्स आर चॉइस ओके कोई कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते ओके क्यों सपोज इफ़ यू आर डूइंग वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क तो एकदम से लाइट चली जाती है तो आपने जो भी वर्क किया अगर आपने उसको सेव ही नहीं किया तो वो सारा वर्क चला जाएगा सो फॉर देट पर्पज़ इन ऑफिसेज एंड सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेज लाइक बैंक एंड ऑल हॉस्पिटल सो वहाँ पर अगर डेस्कटॉप यूज हो रहा है तो यू पी एस होता है यू पी एस मीन्स लाइट्स चले जाने के बाद भी ये थोड़े टाइम तक इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी जैसे सपोज बैटरी में होता है ना कितना परसेंट बैटरी होता है जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है जितना परसेंट होता है उतना वो ज रहता है ना उतना आप मोबाइल चला सकते हो सो सेम इसके अंदर भी ये आप एटलीस्ट मिनिमम थर्टी मिनट्स तक ये उसको ऑन रखता है तो जैसी लाइट जाएगी ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने अभी तक जितना भी वर्क किया है सो आई थिंक वी हैव टू सेव दैट वर्क हमें वो वर्क सेव कर लेना चाहिए ताकि हम उसको वापस यूज़ कर सकें वो डेटा लॉस्ट नहीं होगा सो दिस इज़ कॉल्ड यू ये उसका यूज़ होता है ओके सो यू पी एस मीन्स अन इंटरप्टेड मतलब उसको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा ठीक है वो आराम से स्मूथली अपना वर्क कर सकता है पावर सप्लाई यानी वो उसको जो हमारा डेस्कटॉप सिस्टम होता है उसको अन इंटरप्टली यानी बिना डिस्टर्ब किए पावर देता है पावर सप्लाई यानी उसको लाइट की सप्लाई करता है जिससे हमारा सिस्टम ऑन रहता है और हम थोड़ी देर तक और वर्क कर सकते हैं ओके सो आई थिंक स्टेप टू इज़ क्लियर सो फर्स्ट स्टेप इज स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई रिपीट आफ्टर मी स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई ओके Now द सेकेंड इज़ स्विच ऑन द यू पी एस ओके वैसे यू पी एस का फुल फॉर्म याद रखने की नीड आपको नहीं है बट अगर आप याद रखते हो तो इट्स वेरी गुड ओके नाउ नंबर थ्री इज़ स्विच ऑन द सी पी ओके जब आप इसको भी ऑन कर दोगे इसको ऑन कर दोगे देखो यहाँ पे जो ये बटन होता है ना इसको प्रेस करने के बाद हमें स्टेप थ्री क्या है स्विच ऑन दीपी सीपीयू। अब कुछ सी पी यू बटन पावर का यहाँ होता है किसी में यहाँ पे भी होता है ओके सो so, उसको हम ऑन करेंगे स्विच ऑन द पी ओके ठीक है नाओ लास्ट स्टेप लास्ट स्टेप इज स्विच ऑन द मॉनिटर ओके देखो मॉनिटर जो होता है ना यहाँ पर एक छोटा सा बटन होता है इसको जैसे आप प्रेस करोगे सो so, हमारी स्क्रीन विजिबल हो जाएगी ओके okay? कुछ मॉनिटर्स में बटन यहाँ होता है कुछ मॉनिटर्स में इसके बैक साइड होता है ठीक है यानी जो आपको दिख रहा है ना इसके नीचे की तरफ भी होता है ओके सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट kinds ऑफ monitor आर देयर ओके सो पीपल कैन परचेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड आप हम जो परचेस करते हैं ना जिसको जितना वर्क होता है वो उसके अकॉर्डिंग परचेस करता है ओके सो आई थिंक क्लियर सो नाउ वन once मोर वन मोर टाइम ओके सो स्टेप वन इज स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई Repeat after me switch on the main power supply. Clear now. Step 2 is switch on the UPS. Okay, step 3 switch on the CPU. Step 4 switch on the monitor. Clear now. Question number 2 Now, name some other parts of a computer. Now, here you have to write the some other parts name of a computer okay now what is the meaning of other parts of a computer main parts kya hote hai pehle to mam ko ye batao they are four main parts usme keyboard monitor mouse and cpu okay ye basic main four parts hote hai okay now rather than that other jo part hote hai usme maine लिखा hai ups printer microphone speakers and headphones cd dvd pen drive etc okay now what is the meaning of other parts other parts like you know they are helping parts jo computer ko help karte to perform some specific task okay for example if you use printer so that means printer are used for printing the papers okay so whatever kind of work document

किस में कनेक्ट होता है बताओ इन सी पी यू ओके लाइक दिस ओके ये देखा आपने यहाँ पे ये जो सी पी यू है ना सपोज हम यहाँ पे पेन पे ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं यू कैन कनेक्ट योर ईयरफोन हेयर्स बैक साइड में भी कनेक्ट कर सकते हैं ओके सो दे आर दम अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सो आई थिंक क्लियर है एंड नाउ ये आप याद रखेंगे मैम ने जो आपको आज स्टेप्स बताए हैं दे आर फॉर डेस्कटॉप ये डेस्कटॉप के स्टेप्स थे ओके अ लैपटॉप लैपटॉप में डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ़ यू पी एस बिकॉज लैपटॉप में यू पी एस नहीं होता है इट हैज़ अ बैटरी इनसाइड इट ओके लैपटॉप में हम बैटरी का यूज़ करते हैं एंड सेम बैटरी होती है तो वो कभी भी उसको क्या करना पड़ता है ऑफ नहीं होती उसको सिर्फ चार्ज करना होता है ओके okay? सो so, वो एकदम से ऑफ़ नहीं होता इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेन इलेक्ट्रिसिटी वो उस पर डिपेंड नहीं करता है क्लियर आई थिंक क्लियर होगा ओके सो नाउ क्लास टू लेट्स मीट इन आर लाइव क्लास एंड टूडे वी विल रिवाइज ऑल द कोर्स ऑफ ई वी टू ओके थैंक यू